हेलो गाइस, मार्वल की सबसे बड़ी अभी तक की सबसे बड़ी मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आ रही है और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन को अपना नया आयरन स्पाइडर सूट कैसे मिलता है। जैसे कि हम लोग ने इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में देखा है कि स्पाइडरमैन अपनी स्कूल बस में होता है जब थैनोस का स्पेसशिप दिखता है। तो पहले स्पाइडर सूट की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने कॉमिक्स और टीवी शोज में देखा है कि आयरन स्पाइडर सूट में 4 क्लॉज होते हैं, पर मूवी में कुछ अलग ही सूट दिखाया गया है। अभी हम उस पर डिस्कस ना करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं कि स्पाइडरमैन को अपना सूट कैसे मिला। इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो सिर्फ फैन थ्योरीज हैं, इनका कोई एविडेंस तो नहीं मिला, पर यह 90% सही होने के चांसेस हैं। जैसे कि हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में देखा है, ब्रूस बैनर, टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज की प्लेस सैंक्टोरम में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और तभी थैनोस का स्पेसशिप दिखता है और टोनी स्टार्क को तभी स्पाइडरमैन स्पेसशिप पे दिखा होगा। और जैसे कि हम एवेंजर्स और आयरन मैन मूवी में देख चुके हैं कि टोनी स्टार्क दूर से ही अपने सूट को बुला लेता है, वैसे स्पाइडरमैन के लिए आयरन स्पाइडर सूट बुलाता है। जैसे स्पाइडरमैन अपनी तरफ सूट को आते देखता है, वो उसे गियर अप कर लेता है। तो थैंक यू गाइस, यह थी आज की वीडियो। प्लीज़